बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, सपा और भाजपा में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त थी। लोगों का एनकाउंटर करना और मार देना, यह कोई कानून का राज नहीं कहलाता। असली मायने में कानून का राज बहन जी द्वारा स्थापित किया गया था। किसानों के साथ अन्याय हुआ, भाजपा ने कहा कानून और मुकदमे वापस ले लेंगे। जब किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एमएसपी पर भी कोई कानून नहीं लाए, सिर्फ भाजपा ने किसानों को धोखा दिया और साथ ही चार किसानों को कुचल कर मार दिया। जिसने मारा उसके पिता आज भी मंत्री हैं और जिसने मारा वह बाहर ही घूम रहा है। भाजपा वाले दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम ऐसे कानून का राज चलाते हैं। कुछ विशेष लोगों को बचाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। एक लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ उसको रात को जलाने का काम किया करते हैं और पूरे प्रदेश में इसी तरीके से भय का माहौल फैला रखा है भाजपा ने। इन सब प्रताड़ना का जवाब अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता देगी, बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार बना। कानून व्यवस्था पे देखिए, कानून देखिए, चाहे अखिलेश यादव जी की सरकार रही हो और चाहे ये सरकार रही हो, कानून पूरी तरीके से ध्वस्त है। खाली लोगों को मार देना, इनकाउंटर कर देना और लोगों को एक सिलेक्टिव वे में मारना, ये कोई कानून का राज नहीं होता है। कानून का राज पूरे देश में सब जानते हैं कि अकेले बहन मायती जी चलाना जानती है। वो चलाने का देखिए, आपने देखा कि किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय। पहले उनको धोखा देकर कहा कि हम कानून जो है वापस ले लेंगे, तो मुकदमे वापस ले लेंगे और उसके बाद तुम अपने आंदोलन वापस ले लो। जब उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया तो ना उन्होंने मुकदमे वापस लिए उनके और ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था न्यूनतम उसको लाने का काम किया। उसके बारे में कोई कानून लाने का काम नहीं जो वादा किया था। और चार लोगों को कुचल के मार दिया। जिसने मारा उसके पहले पिताजी को अभी भी मंत्री बनाए हुए हैं और उसको बेल दिलवाने का काम किया और आज वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये एक तमाचा है दिखाने के लिए कि देखो इस तरह से हम कानून का राज चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से हर मामले में हमने बताया अभी कि किस तरीके से, चाहे वो एक सिलेक्टिव मैनर जो उनके लोग हैं उनको बचाने के लिए उस हद तक जाते हैं कि एक लड़की को जिसके साथ में बलात्कार हुआ है उसको रात के 2:30 बजे जलवाने का काम भी करते हैं। ये हर पूरे प्रदेश में इसी तरह से रहा है और इसका जवाब अब की बार उत्तर प्रदेश की जितनी जनता है वो बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके 2007 में जितने सीटें आई थी हमारी, उससे कहीं अधिक सीटें हमारी आ रही हैं अब की बार और हम लोग निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। बहन मायती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।